हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल से एक बार फिर आपके साथ। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। स्टे सेफ, स्टे होम। कोविड का पीरियड चल रहा है वो सब आप लोग जानते हैं, तो उसमें अपना ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, आज मैं लिफ्ट सेफ्टीज़ के बारे में बात करूँगा। मैं कुछ वीडियो लास्ट में लिफ्ट पर ही बना रहा था, तो लिफ्ट में क्या क्या सेफ्टी होती है। एक्चुअली लिफ्ट में पार्ट्स कम होते हैं और सेफ्टी ज़्यादा होती है, क्योंकि लिफ्ट एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें ह्यूमन बीइंग ट्रैवल करता है और उसमें जान का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उसमें सेफ्टी सबसे ज़्यादा होती है। और उन सेफ्टियों के बारे में आज हम बात करेंगे, कितनी होती हैं। फ्रेंड्स, इसमें नियर अबाउट 23-24 सेफ्टी होती हैं। आज मैं वीडियो पार्ट वन बना रहा हूँ और इसमें मैं 10 से 12 सेफ्टी के बारे में बात करूँगा। लेटर ऑन सेकेंड पार्ट में जो बचेंगी सारी, उन सभी सेफ्टियों के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सेफ्टी ऑफ लिफ्ट पार्ट वन, यानी पहला पार्ट है लिफ्ट की सेफ्टी के वीडियो का। तो इसमें मैंने 1 से 12 तक कुछ सेफ्टी लिखी हुई हैं, क्योंकि सेफ्टी लिखी हुई है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यदि आपको इंटरव्यू वगैरह में बतानी होती हैं तो रटना भी है। मान लो समझ तो मैं बताऊँगा तो समझ लेंगे आप लोग, लेकिन आपको क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी मोबाइल पर रख सकते हैं, जिससे आप लोग उसको कभी भी देख करके रिवाइज कर सकते हैं और कभी भी इंटरव्यू में बता सकते हैं इजीली। हम लोग नॉर्मली इंटरव्यू में जब कभी भी लिफ्ट का इंटरव्यू देते हैं तो 3 या 4 ही सेफ्टी बता पाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बता पाते। आज मैं सारी सेफ्टी आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहला लिखा है मैंने सेफ्टी ब्रेक्स। ठीक है, सेफ्टी ब्रेक्स क्या होते हैं? मीन्स उस समय ब्रेक का उस समय लगना जब मान लीजिए लिफ्ट अचानक ऊपर से गिर जाए, गिरने की पोजिशन में हो, उसके जो हमारा रोप होती है रोप टूट जाए और लिफ्ट अचानक गिर रही हो, तो उस कंडीशन में ब्रेक लगे होते हैं, सेफ्टी ब्रेक बोलते हैं या मैकेनिकल ब्रेक्स बोलते हैं। फ्रेंड्स, जो लिफ्ट होती है, लिफ्ट आप लोग जानते हो रेल पे चलती है, साइड में जो रेल उसकी टाइट रहती है उन रेल में फंस के चलती है। तो लिफ्ट की जो कार होती है, कार और रेल जो दोनों के बीच में मैकेनिकल ब्रेक्स लगाए जाते हैं, जो OSG के थ्रू यानी ओवर स्पीड गवर्नर के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। जैसे ही स्पीड नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा हो जाती है तो वो उसको कैच कर लेते हैं, जो हमारी रेल होती है उसको कैच कर लेते हैं और हमारी कार को नीचे पिट में नहीं गिरने देते। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं इसमें बीच में एक बार और बता देता हूँ, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये पार्ट्स भी हैं और ये सेफ्टीज़ भी हैं, तो इन पे जब मैं सेपरेट एक एक करके वीडियो बताऊँगा तो उसमें मैं आपको प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों साथ साथ समझाऊँगा, वो ज़्यादा समझ में आ जाएगी। अभी आप सिर्फ इंटरव्यू के हिसाब से सेफ्टी क्या क्या होती है, कैसे बताई जाती है, उनके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, सेफ्टी ब्रेक्स यानी मैकेनिकल ब्रेकिंग होती है। अब इन सेफ्टी ब्रेक को चलाने के लिए क्या है, OSG यानी ओवर स्पीड गवर्नर। मींस जब कार की नॉर्मली कार की स्पीड क्या होती है, 1.5 मीटर पर सेकेंड या 1.75 मीटर पर सेकेंड या 2 मीटर पर सेकेंड या 2.5 मीटर पर सेकेंड, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं होती है फ्रेंड्स। तो जब भी इससे, जैसे मान लो मेरी लिफ्ट 1.75 मीटर पर सेकंड की है और 1.75 मीटर से जैसे ही कोई भी कार 25% ज़्यादा स्पीड हो जाएगी, यानी जैसे 1.75 मीटर पर सेकंड की स्पीड है और उसकी स्पीड 2 मीटर चली जाएगी, तभी जो ये ओवर स्पीड गवर्नर है, ये ओवर स्पीड गवर्नर सेंसिंग दे देगा मैकेनिकल ब्रेकिंग को यानी सेफ्टी ब्रेक्स को, और सेफ्टी ब्रेक्स कार को रेल के साथ कस देंगे या पकड़ लेंगे, उसको ब्रेक लगा देंगे और उसे गिरने से रोक देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, OSG एक ओवर स्पीड गवर्नर है जो सिर्फ ये मॉनिटर करता है कि इसकी जो स्पीड है वो कितनी होगी। जैसे ही उसका ओवर स्पीड होगा यानी 25% स्पीड एक्स्ट्रा होगी, वो उसको सेंसिंग दे देगा मैकेनिकल ब्रेकिंग को और मैकेनिकल ब्रेकिंग काम कर जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड सेफ्टी होती है होएस्ट वे डोर इंटरलॉक्स। मीन्स होएस्ट वे मीन्स फ्रेंड लिफ्ट के डोर के इंटरलॉकिंग होती है। मींस इंटरलॉकिंग से आप लोग जानते हैं कि देखिए कोई भी सिस्टम को चलाने के लिए इंटरलॉकिंग होती है। जैसे मेरे को लिफ्ट का कार ऊपर जाने का ऊपर लिफ्ट कार ऊपर तब जाएगा जब लिफ्ट के यानी लैंडिंग डोर और कार डोर दोनों बंद हो जाएंगे, और बंद होने के बाद जो ऊपर सेंसर्स लगे हुए हैं सेंसर सेंस कर लेंगे कि कार डोर बंद हो गए, तब जाके लिफ्ट हमारी ऊपर मूव करेगी। यानी मोटर को सप्लाई कंट्रोलर से तभी मिलेगी जब हमारे जो कार और लैंडिंग डोर दोनों शट डाउन बंद हो जाएंगे प्रॉपरली और सेंसर उसको सेंसिंग दे देगा, तो उसी को इंटरलॉकिंग कहते हैं। सारे डोर्स की इंटरलॉकिंग होती है फ्रेंड्स, मींस जब तक डोर बंद नहीं होते लिफ्ट हमारी नहीं चल सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, फोर्थ है डोर क्लोजिंग डिवाइस।
अब फ्रेंड्स वहाँ ऐसा तो है नहीं कि हैंडल लगे हुए हैं हम डोर क्लोज करते हैं, नहीं, डोर ऑटोमेटिकली क्लोज होते हैं। ऑटोमेटिकली क्लोज होने के लिए डोर में क्लोजिंग डिवाइस लगा रहता है। क्लोजिंग डिवाइस मींस जैसे ही हमने पुश बटन जो भी उसमें हमने कमांड दिया, कमांड देने के बाद वो ऑटोमेटिक रीड कर लेता है और रीड करने के बाद उसको कमांड चली जाती है और क्लोजिंग डिवाइस जो है डोर को क्लोज कर देता है। लेकिन डोर क्लोज करना ही उसका काम है, मगर सेफ्टी में भी वो डोर जब तक क्लोज नहीं होगा जब तक हमारी लिफ्ट नहीं चलेगी, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी सेफ्टी के अंतर्गत आता है। उसके बाद हॉयस्ट वे सेफ्टी स्विच और डोर सेंसर। फ्रेंड्स लिफ्ट की सेफ्टी स्विच जिसे कहते हैं या डोर सेंसर, आपने देखा होगा कार डोर और लैंडिंग डोर दोनों पे ही साइड में ऊपर से नीचे तक एक बीच में स्ट्रिप लगी रहती है जिसे डोर सेंसर कहते हैं। उसका काम यह है फ्रेंड, जैसे ही डोर बंद हो रहा है, मान लीजिए हम लोग डोर ऑटोमेटिकली बंद होता है, मैनुअली तो होता नहीं है, अब ऑटोमेटिकली डोर बंद हो रहा है और सडनली कोई उसके बीच में पहुंच जाए या कोई बच्चा कोई आदमी हाथ दे दे तो वो हाथ पिच जाएगा या चोट लगने के चांसेस होंगे। उसको बचाने के लिए वहाँ क्या है, हम डोर सेंसर्स लगा देते हैं, पूरे डोर में ऊपर से नीचे तक सेंसर रहता है। यदि हम उसके बीच में हाथ देंगे, पैर देंगे, कोई सामान आ जाएगा, स्टफ आ जाएगा या खुद हम आ जाएंगे, ह्यूमन बीइंग कोई भी आ जाएगा, तो वो डोर हमें सेंस करके डोर को पुनः खोल देता है, ठीक है। उससे भी वो भी सेफ्टी है जिससे हमारा जो ह्यूमन बीइंग है जो या जो भी कोई उसमें पैसेंजर ट्रेवल कर रहा है उसको चोट लगने के चांसेस नहीं होते, यानी ह्यूमन सेफ्टी के लिए ही वो डोर सेंसर लगे होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 6 नंबर, इमरजेंसी इवैक्यूएशन फीचर। फ्रेंड्स ये इमरजेंसी इवैक्यूएशन फीचर्स नॉर्मली शायद आप लोगों ने ना देखे हो, लेकिन ये क्या है, इमरजेंसी इवैक्यूएशन फीचर्स होते हैं फायरमैन लिफ्ट में। हमारे यहाँ किसी भी नॉर्मल लिफ्ट को ही फायरमैन लिफ्ट बना दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप लोग जानते हो जो फायर के केस में बिल्डिंग में सबसे पहले सप्लाई काट दी जाती है, मान लीजिए ज़्यादा फायर का केस है तो लिफ्ट बंद हो जाती है, क्यों, क्योंकि लिफ्ट में पानी आ जाता है। अब स्प्रिंकलर ऑन हो जाएगा, स्प्रिंकलर हो जाएगा, सारा पानी फ्लोर के थ्रू लॉबी के थ्रू जितना भी लिफ्ट लॉबी में आएगा यानी लिफ्ट में आएगा, अंदर लिफ्ट की जो शाफ्ट है उसमें आएगा, तो बंद हो जाती है, सारी लिफ्टों को बंद कर दिया जाता है। तो उस केस में यानी फायर के केस में, इसमें मैंने लिखा है इमरजेंसी इवैक्यूएशन फीचर, यानी जिस जो लिफ्ट हमारी फायर लिफ्ट होती है उसमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे जो वो लिफ्ट होगी वो फायर रेटेड, डोर उसके फायर रेटेड होंगे यानी उनमें आग लगने के चांसेस कम होंगे। सेकंड थिंग, उसमें उसका जो पावर होगा वो पावर बैकअप पे होगा यानी UPS पे होगा, यानी उसमें ARD तो है ही लेकिन उसकी मोटर वगैरह सारा पावर बैकअप पे होगा कि हमारी नीचे से पावर सप्लाई कट भी जाए तो वो 2 घंटे 4 घंटे जितना भी हमने टाइमिंग देना है वो उसको ट्रैवल हम कर सकें, दो चीज़ें। तीसरा, वो वाटर रेटेड होंगे यानी पानी उसमें अंदर आने का प्रोविजन नहीं होगा, यानी उसको कि जब हमारा फायर स्प्रिंकलर लॉबी में टूट जाता है तो उसका पानी लिफ्ट में ना जाए, उसका भी उसको भी रोक दिया जाता है बाहरी, यानी उस तरीके का भी ध्यान रखा जाता है कि पानी लिफ्ट में ना आए। इसी तरीके के 3-4 फीचर्स और होते हैं, जैसे अब हमारा क्या है, लिफ्ट में बाय द वे आग ज़्यादा भड़क गई और हम लिफ्ट का डोर नहीं खोल सकते हैं उसका फायरमैन का, तो उसमें क्या रहता है फ्रेंड्स कि लिफ्ट के अंदर ही ऊपर का ट्रैप डोर, जो ऊपर ट्रैप डोर दिया जाता है लिफ्ट की छत में कि आदमी वहां से ऊपर निकल के एक फ्लोर ऊपर ट्रैप कर सकता है या उससे बाहर आ सकता है या उसको किसी और फ्लोर से निकाला जा सकता है, इस तरीके की सुविधा। दूसरा, लिफ्ट के अंदर ही फ्रेंड्स लिफ्ट में बेस से और छत के ऊपर जाने के लिए लेडर का भी इंतजाम किया जाता है। इस तरीके से काफ़ी सारी उसमें फीचर्स होते हैं जो हमारी फायरमैन लिफ्ट बनाई जाती है या इवैक्यूएशन इमरजेंसी इवैक्यूएशन फीचर्स होते हैं जिसमें जिस लिफ्ट को हम उसमें यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, मैंने ज़्यादातर देखा नॉर्मल लिफ्ट को ही हम फायर लिफ्ट बना देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी इस तरीके की सेफ्टी उसमें होती है। नेक्स्ट मीन्स फिर फायरमैन स्विच। फ्रेंड्स फायरमैन लिफ्ट तो बना दिया, लेकिन ये फायरमैन स्विच क्या होता है, फायरमैन स्विच दो तरीके से काम करता है, एक ऑटोमेटिकली एक मैनुअली। ऑटोमेटिक केस में क्या होता है फ्रेंड्स कि इमरजेंसी में यदि फायर केस है और लॉबी में आग लग गई है या उस कंडीशन में उसने वो जो लिफ्ट लॉबी में स्मोक डिटेक्टर लगे रहते हैं, स्मोक डिटेक्टर की सेंसिंग के साथ टच कर देते हैं, जैसे ही उसमें स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हो जाएगा तो जिस लिफ्ट के साथ भी वो फायरमैन स्विच लगाया जिसके साथ भी वो कनेक्ट है वो लिफ्ट किसी भी फ्लोर पे अगर रन कर रही होगी ऊपर या नीचे की तरफ वो सीधी ग्राउंड पे या उस फ्लोर पे जहां हमने गैदरिंग स्टेशन बनाया हुआ है फायर के केस में उस फ्लोर पे इवैक्यूएशन फ्लोर पे आकर के स्टॉप कर जाएगी और डोर को ओपन कर देगी। वो डोर तब तक नहीं बंद होंगे जब तक आप मैनुअली उनको नहीं बंद करोगे या कोई ऑपरेट नहीं करेगा। इसी प्रकार से फायरमैन स्विच भी काम करता है, फायरमैन स्विच मैनुअली होता है। फायरमैन स्विच मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर पे हमने आग का सेंस मिल गया और हमें ऑटोमेटिकली नहीं कर रखा है यानी स्मोक डिटेक्टर के साथ कनेक्ट नहीं कर रखा है तो फायरमैन स्विच जैसे ही हम ऑन करेंगे, ऑन करते ही कहीं से भी लिफ्ट होगी जिस लिफ्ट से कनेक्ट है वो लिफ्ट नीचे आ जाएगी, ग्राउंड फ्लोर पे आ जाएगी या इवैक्यूएशन फ्लोर पे आ जाएगी और वहाँ पे आके गेट खोल देगी। तो जो भी उसके अंदर
वो पैसेंजर्स होंगे वो सारे वहाँ पे निकल दिए जाएंगे, बाहर कर दिए जाएंगे, और वो लिफ्ट तब तक नहीं जाएगी जब तक फायरमैन स्विच को रिट्रीव नहीं किया जाएगा या वापस ठीक नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए फायरमैन स्विच होता है। फ्रेंड्स, आप अभी सिर्फ ये समझ लीजिए कि बेसिक क्या है इनका या कैसे सेफ्टी काम करती हैं। मैं इन सब पर एक एक पर सिंगल प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जो प्रैक्टिकली भी होंगी और थ्योरेटिकली भी प्रॉपर होंगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, पिट बफर्स। पिट बफर्स क्या होता है फ्रेंड्स? जो आपने देखा होगा ये भी एक बहुत सेफ्टी होती है। होता क्या है, देखिए, अगर मान लीजिए, आप सोचिए कि अगर लिफ्ट का किसी वजह से ऊपर से रोप कट जाए या रोप टूट जाए, मान लीजिए लिफ्ट चार रोप पे रुकी हुई है और उसके दो रोप टूट जाएं किसी वजह से, पुअर मेंटेनेंस या जो भी रीजन रहे, तो वो बाकी दो भी टूट जाएंगे। अब लिफ्ट जब टूट गए और वो नीचे जोर से गिरने लगी, और उस केस में क्या करता है मैकेनिकल ब्रेक, सेफ्टी ब्रेक्स और OSG काम करेगा। मान लीजिए कि OSG भी काम ना करे और मैकेनिकल ब्रेक ना लगे, तब क्या होगा? तब लिफ्ट सारी एकदम सडनली नीचे आके जो साफ्ट है पिट की, लिफ्ट की जो पिट है या साफ्ट है, उसमें आके गिर जाएगी। और जब उसमें आके उतनी तेज़ी से गिरेगी तो आप सोच सकते हैं कि उसके अंदर अगर कोई पैसेंजर होगा लिफ्ट में तो वो मर जाएगा, यानी उसके मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएं। उस चीज़ को अब उस लिफ्ट को गिरने के लिए भी उसमें भी एक कंडीशन लगा दी, यानी पिट में बफर्स लगा दिए। फ्रेंड्स, बफर्स वैसे पिट बफर्स तीन प्रकार के होते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो पिट बफर्स तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन नॉर्मली आपने देखा होगा हाइड्रोलिक बफर्स लगे रहते हैं। बफर मींस हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा रहता है और उस सिलेंडर को उस कैपेसिटी का बनाया जाता है कि जितना वेट लेकर फुल लोड पे भी अगर लिफ्ट ऊपर से नीचे गिर रही है तो वो दो तीन बार इस तरीके से जर्क लेगी, लेकिन उसमें ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, यानी डेथ के चांसेस नहीं होंगे, यानी जो वो कार आ रही है वो कार बिल्कुल चूर चूर या क्रश नहीं होगी। इस तरीके से बफर्स जो है उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम सस्पेंशन रहता है, वो उसको झेल लेता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट ARD। ARD के बारे में मोस्ट प्रोबेबली सभी जानते हैं कि ऑटो रेस्क्यू डिवाइस होता है, यानी अगर लिफ्ट किसी वजह से चल रही है और सप्लाई चली जाती है तो वो ऑटो रेस्क्यू कर लेता है। मींस वो नियर बाई फ्लोर पे जा करके उसका डोर ओपन कर देता है और जैसे ही लाइट आती है वो फिर से रिट्रीव हो जाती है, लिफ्ट फिर से पुनः चलने लगती है। तो ARD का काम इतना ही है। ARD फ्रेंड्स बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको बाद में हम बात करेंगे इस पर डीपली, ठीक है। नेक्स्ट ओवरलोड। ओवरलोड सेंसर भी होता है फ्रेंड्स। ओवरलोड क्या होता है, मान लीजिए हमने 15% की लिफ्ट बनाई और लिफ्ट में 20% पहुंच गए। अब लिफ्ट में जब 20% पहुंच जाएंगे तो लिफ्ट को नहीं चलना चाहिए क्योंकि वो ओवरलोड हो गई। ओवरलोड मींस हमारा जो डिज़ाइन है वो तो 15% के लिए ही, अब 20% आप उसको ओवरलोड चलाओगे तो उसकी सेफ्टी सारी ही खत्म होने के चांसेस जाती है। रोप की कैपेसिटी तो 15% झेलने की है और उस पर तुमने 20% कर दिया तो रोप टूटने के चांसेस, यानी बहुत सारे फीचर्स हमारे खराब होने के चांसेस, यानी सेफ्टी हमारी बाईपास टाइप की हो जाती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक ओवरलोड सेंसर लगा देते हैं, यानी वेट सेंसर बोलते हो आप उसको, या ओवरलोड सेंसर लगा देते हैं लिफ्ट में। जैसे ही 15% की सेफ्टी कैपेसिटी है और 15 से 16 हुए, यानी अगर वेट का भी फर्क रहता है, जैसे एक पर्सन को वो 68 केजी से कंसीडर करते हैं, मान लीजिए 80 केजी के बंदे घुस गए उसमें, तो 80 केजी के बंदे अगर एंटर करेंगे तो वो 15% से पहले ही ओवरलोड हो जाए क्योंकि वो वेट के अकॉर्डिंग होता है। तो जो भी उसका वेट है तो उस वेट के अकॉर्डिंग जैसे ही उस वेट से ज़्यादा उसके अंदर पैसेंजर होंगे या वेट होगा तो लिफ्ट आपकी चलनी बंद हो जाएगी, वहीं अलार्म देने लगेगी लेकिन लिफ्ट नहीं चलेगी। बीप देगी मगर डोर खोल देगी बार बार, लेकिन लिफ्ट नहीं चलेगी क्योंकि वो ओवरलोड हो गई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ओवरलोड की भी सेफ्टी लिफ्ट में होती है। नेक्स्ट टर्मिनल स्लो डाउन स्विच। ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये भी सेफ्टी है। अब आप देखते हो कि लिफ्ट ऊपर के फ्लोर से 1.75 मीटर की स्पीड पर आ रही है, मान लीजिए कि थर्ड फ्लोर से और सिक्स फ्लोर पे आ गई, तो थर्ड से सिक्स तक आने में तो वो एकदम आ गई, लेकिन जैसे ही वो सिक्स पे आएगी तो उससे कुछ दूरी ऊपर ही टर्मिनल स्लो डाउन स्विच लगा होता है। मींस उसकी स्पीड को जैसे ही उस लिमिट स्विच को लिफ्ट क्रॉस करेगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, और वो फ्लोर पर पहुँचते पहुँचते बहुत धीमे धीमे आराम से पहुँचेगी, जिससे जर्क नहीं लगेगा, यानी जो उसके अंदर पैसेंजर है उनको झटका नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा लिफ्ट स्मूथली रुक जाएगी, उसी के लिए ये टर्मिनल स्लो डाउन स्विच लगे होते हैं फ्रेंड्स। 12 नंबर है इमरजेंसी स्टॉप स्विच। यानी इमरजेंसी स्टॉप स्विच फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि ऊपर जो मशीन रूम होता है उसमें इमरजेंसी स्टॉप स्विच लगे रहते हैं,
या नीचे भी प्रोविज़न दिया रहता है लिफ्ट में भी कि अगर मान लो उसमें कुछ काम चल रहा है या मैकेनिकल उसमें कुछ हम मेंटेनेंस कर रहे हैं तो उसको इमरजेंसी लगा देते हैं, या लगता है कि कोई प्रॉब्लम है लिफ्ट में, कुछ भी है, यानी किसी भी केस में अगर इमरजेंसी में या किसी भी केस में हमें लिफ्ट को बंद करना पड़े तो उसमें इमरजेंसी स्विच की व्यवस्था होती है कि हम लिफ्ट को इमरजेंसी स्विच पुश कर देंगे और वो जब तक उसको खोलेंगे नहीं तब तक लिफ्ट वहाँ की वहाँ ही खड़ी रहेगी यानी बंद हो जाएगी। तो ये भी फ्रेंड्स एक सेफ्टी है। आज मैंने आपको ये 12 सेफ्टी बताई है, 12 सेफ्टी के बाद अभी नियर अबाउट 12-13 सेफ्टी और हैं जिनके बारे में हम सेकंड पार्ट में वीडियो के बात करेंगे, यानी सेकंड वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।